हरलाखी प्रखंड के सभी खुदरा खाद विक्रेताओं ने एकजुट होकर खाद उठाव का बहिष्कार किया है। दरअसल थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य पर खाद नहीं दिए जाने के विरोध में खुदरा विक्रेताओं ने खाद का अगला उठाव नहीं करने का निर्णय लिया है। खुदरा विक्रेताओं की माने तो सरकार द्वारा सही मूल्य पर खाद नहीं मिल रही है, जबकि खाद उठाव के बाद लेवल चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, गोदाम खर्च, स्टाफ खर्च, पैस मशीन खर्च एवं जीएसटी वगैरह जोड़कर मूल्य से अधिक खर्च वहन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद बेचना पड़ता है, जिससे खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक दोहन का नुकसान उठाना पड़ता है। इस दौरान इस समस्या को लेकर उमगांव के वाटरवेज परिसर में प्रखंड के सभी खुदरा विक्रेताओं ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी भी किया। अध्यक्ष अशोक कुमार और कोषाध्यक्ष बालकृष्ण झा ने बताया कि खाद मूल्य की समस्या को लेकर जब तक इसका निदान नहीं निकाला जाएगा, तब तक प्रखंड क्षेत्र के सभी खुदरा विक्रेताओं द्वारा खाद का उठाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर वीडियो को मांग पत्र भी सौंपा गया है। मौके पर अशोक कुमार, बालकृष्ण झा, मदन कुमार ठाकुर, पारसनाथ झा, श्रवण झा, उमाशंकर चौधरी, श्याम पूर्व, जितेंद्र मुखिया, रामदेव महतो समेत दर्जनों खाद विक्रेता मौजूद थे। जी बताइए, हम लोगों को सही मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा है। 310 320 रुपया में पहुँचता है और 266 रुपया में बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। इसीलिए हम लोग खुदरा उर्वरक विक्रेता ने निर्णय लिया है कि अगर सही दाम पर नहीं मिलेगा तो हम लोग उठाव नहीं करेंगे। ये आपका परिचय? बालकृष्ण झा, कोषाध्यक्ष, हरलाखी प्रखंड। क्या है इस, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हरलाखी प्रखंड उर्वरक खुदरा विक्रेता द्वारा एक बैठक हुई है प्रखंड कार्यालय के आसपास, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार के द्वारा या होलसेलर के द्वारा सही रेट पर हम लोगों को खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसीलिए हम लोग बैठ कर निर्णय लिए हैं कि अपना सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि सही रेट पर हम लोग खाद उपलब्ध कराया जाए, ताकि मैं 266 रुपये में किसान को उपलब्ध करा सकूं। हम लोगों का कठिनाई है कि हमें मतलब 266 रुपये के अंदर में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग 266 रुपये बेचने पर बाध्य नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है 266 रुपये पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है? इसमें कारण है कि सरकार के द्वारा 266 रुपये किसान को उपलब्ध कराना सरकार के द्वारा तय कर दिया गया है, लेकिन एक रिटेलर को सरकार के द्वारा कितना रेट उपलब्ध कराया जाएगा यह शायद तय नहीं है। यह हम जानना चाहेंगे सरकार से कि एक रिटेलर को, एक दुकानदार को कितना रुपये में खाद उपलब्ध कराया जाए, ताकि वह 266 रुपये में किसान को आसानी से उपलब्ध करा सके। ऐसा तो शायद नहीं देखने को मिल रहा है, ताकि हम लोगों को कठिनाई हो रही है। इसलिए हम लोग आपस में बैठकर एक बैठक किए हैं ताकि हम लोग 266 रुपये में किसान को उपलब्ध करा सके, लेकिन सही रेट पर हम लोग को उपलब्ध तो हो जाए। इसीलिए हम लोग आपस में बैठ कर यह निर्णय लिए हैं। हरलाखी प्रखंड के जितने भी खाद व्यवसायी हैं आपस में बैठ कर यही निर्णय लिए हैं कि सरकार को अपनी जो मन कमजोरी है, हम सरकार को उपलब्ध कराना दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों को 266 रुपये से कम उपलब्ध नहीं हो रहा, ताकि मैं 266 रुपये कैसे बेच सकूँ। जी, तो अंडर रेट। आपका परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार है, हरलाखी प्रखंड का उर्वरक विक्रेता संघ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।